दोस्तों आज इस वीडियो में हम आए हैं फिर से एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक और एप्पल का सॉफ्टवेयर को अपने पर्सनल लैपटॉप यानी मैकबुक में इसको इंस्टॉल करके, और बताऊंगा कि आप इसको इजी वे में कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे अपने पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल वाले बटन को दबाइए और साथ ही साथ घंटे को दबा लीजिए ताकि आप लोगों तक आने वाली हमारी टेक्निकल अपडेट की न्यूज सबसे तेज और सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों मोशन एप्पल का एप्पल मोशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो एडिटिंग का ये एप्पल की तरफ से दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो इसके ऐप स्टोर पर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। बट दोस्तों ये आप लोगों का फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है, इसको आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो खरीद लीजिए, ये है आपका मात्र $68.98 का, यानी $68.98 का ये आप लोगों का एप्पल मोशन 5 का सेटअप है, आप इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों हमने इसका ऑफिशियली नीचे में डाउनलोड लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं हम अपने एप्पल की ओर, आपको दिखाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने पर्सनली लैपटॉप यानी मैकबुक और मैकबुक प्रो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपने एप्पल के लैपटॉप की ओर। लैपटॉप की ओर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैंने पेन ड्राइव इंजेक्ट कर रखी है, यहाँ पर सेटअप अवेलेबल है। इसको डबल क्लिक करते हैं, स्वीप करते हैं, फिर उसके बाद डबल क्लिक इसकी, और आप देख सकते हैं एप्पल का मोशन ग्राफिक। डबल क्लिक करना है पहले इंस्टॉल करने के लिए, फिर आपको इसको मूव करना है एप्लीकेशन में, तो मूव वाला स्टेप बाद में, पहले डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पे आपका नीचे ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलिंग, और ये देखिए खुल गया मोशन। व्हाट न्यू इन मोशन, दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, अपडेटेड वर्जन है मोशन एप्पल का, एप्पल मोशन ग्राफिक का। और यहाँ पर 5 स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन में दोस्तों 5 अलग अलग टैब दिख रहे हैं जिसमें आप एप्पल के मोशन का प्रोजेक्ट अलग से ओपन कर सकते हैं। फाइनल कट प्रो का प्रोजेक्ट है तो वो भी आप इसमें ओपन कर सकेंगे, और दोस्तों आप इसमें मोशन में टाइटल बनाकर फाइनल कट प्रो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोशन टाइटल और ट्रांजिशन और आपको इसमें बना सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइनल कट प्रो में। तो दोस्तों दोनों ही सॉफ्टवेयर कंबाइंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुल गया है, और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और जैसे फाइनल कट प्रो है उतना तो नहीं, बट ये दोस्तों मोशन यानी ग्राफिक पे काम करता है। और यहाँ देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो चुका है, तो ये आपका फुल वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस पर्सनल लैपटॉप में। और इसको हम पहले इसका हम प्रेफरेंस दिखाते हैं आपको, ये इसकी सेटिंग है, आप प्रोजेक्ट सेटिंग अपने अनुसार कर सकेंगे। तो मैं इसको काट देता हूँ, आप चलते हैं इसको देख लेते हैं सारी फीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं। एक्सपोर्ट का यहाँ आ रहा था ऑप्शन, ये हो गया, तो अब हम इसको कर देते हैं इसको कर लेते हैं क्विट। फिर से इसको अब आपको क्या करना होगा, इसको मूव करना होगा एप्लीकेशन में, तो इसको खींचिए और एप्लीकेशन में डाल दीजिए। यह आपका 3.19 GB का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन में मूव हो रहा है। मूव होने के बाद ये आपका एप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा, जिससे आप इजी वे में इसको आप ओपन और क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो रहा है जल्दी से मूव, लेस देन 1 मिनट्स में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके लॉन्च में दिखने लगेगा। पांच सेकंड बचे हैं मूव होने में, ये लीजिए हो चुका है आपका मूव। तो हम चलते हैं लॉन्च पैड की ओर, ये देखिए दोस्तों लॉन्च पैड में आ चुका है। मैं फिर से क्लोज करता हूं और इसको ओपन करता हूं, आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है बिना किसी रुकावट के। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन,
दोस्तों अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप मोशन, एप्पल के मोशन से कैसे वीडियो एक्सपोर्ट करें और कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करें और कैसे इस पर काम करें। ये दोस्तों एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके ट्यूटोरियल्स अलग से ही मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आप लोगों को अच्छे लगे। अच्छे लगे तो एक लाइक दीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेक्निकल ट्यूटोरियल के साथ।